मुझे इनके दोस्त फोन करके बताते थे कि बीड़ी पी रहे हैं। उन्होंने बताया था कि ये बीड़ी पीती है और मैंने इसे कई बार मना किया है, तब भी इसने बीड़ी पीनी मन नहीं किया। पाकिस्तानी सीमा और सचिन के प्यार का सच क्या? सचिन के सिगरेट पीने पर खुद को तकलीफ पहुंचाती थी सीमा, या सीमा के बीड़ी पीने पर सचिन करता था इमोशनल अत्याचार? 9 बार इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम बदलने वाली सीमा बागेश्वर बाबा की फैन। नमस्कार, TV9 दिल्ली NCR देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। पाकिस्तानी सीमा ने हिंदुस्तानी सचिन के प्यार में एक नहीं बल्कि 3-3 देशों की सरहदें पार की और पाकिस्तान से भारत आ गई। मामला सामने आने के बाद से ही यूपी पुलिस और यूपी ATS लगातार सीमा, सचिन और सचिन के पिता से पूछताछ कर रही है। वहीं ATS सूत्रों की माने तो सीमा को कड़ी प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली हो सकती है, जिसके कारण वो बड़े ही नवीनतम ढंग से जवाब दे रही है। हालांकि ATS की टीम नेपाल में भी सीमा के बातों की पुष्टि के लिए नेपाल के उस होटल पहुंची जहां सीमा और सचिन ने रुकने का दावा किया। वहीं अब पुलिस सीमा से पूछताछ के दौरान मनोवैज्ञानिक को भी साथ बैठा सकती है, जिससे सीमा के झूठ पर बारीकी से नजर रखी जा सके। तो वहीं इन सब के बीच गौर करने वाली बात ये भी है कि एक ओर सचिन से प्यार का दावा करने वाली सीमा के साथ सचिन के मारपीट की बातें सामने आ रही है। आपको दो वीडियो क्लिप दिखाते हैं। एक वो जब सीमा ने अपने हाथ पर लगे चोट को लेकर कहा था कि जब सचिन से लड़ाई होती थी क्योंकि सचिन सिगरेट पीता था तो मैं खुद को तकलीफ पहुंचाती थी। तो वहीं दूसरी ओर जब सीमा और सचिन के पूर्व मकान मालिक से उनके रहने के तौर तरीकों के बारे में बात की गई तो उसने बताया कि सीमा बीड़ी पीती थी, इसलिए सीमा और सचिन में लड़ाई होती थी और सचिन सीमा से कहता था कि अगर उसने बीड़ी पीना नहीं छोड़ा तो वो सुसाइड कर लेगा, मर जाएगा। आपके हाथों पे ये सारे मैं निशान भी देख रही हूँ, ये क्या है, ये किसने, क्या किसी ने किया है? नहीं, मैंने खुद करा था। उनके प्यार में हमारी लड़ाई होती थी, शादी वगैरह पे जाते थे मुझे बताए बगैर, तो इस बात पे हमारी ज़्यादा लड़ाई होती थी, तो इस कारण ये बीड़ी पीते थे मुझसे, चोरी चोरी से? ये चोरी छिपे पीते थे। हाँ, तो मुझे इनके दोस्त फोन करके बताते थे कि बीड़ी पी रहे हैं, तो मेरी कसम खाते तो इस बात पे ज़्यादा मैं ये खुद को जलाती और काटती। हाँ, एक बार मुझे पता चला था और मैंने बताया भी, ये सभी को बताया था जिसने मुझसे पूछा है। एक बार उनमें लड़ाई हुई थी और मैंने सब शाम को आया मैं घर पे, जब मेरे बच्चों ने बताया कि भाई आज ऐसे ऐसे लड़ाई हुई, मारा पीटी हुई थी, मैंने उसे शाम को बुलाया, फिर मतलब क्या बात थी क्या? हाँ, तो उसने बताया था कि ये बीड़ी पीती है और मैंने इसे कई बार मना किया है, तब भी इसने बीड़ी पीनी बंद नहीं किया। 5वीं तक पढ़ाई करने का दावा करने वाली सीमा ATS के सवालों का बेधड़क होकर जवाब दे रही है। इतना ही नहीं, वो फ्लुएंट इंग्लिश भी बोल रही है, जिससे भारतीय जांच एजेंसियां सख्ती में। इस बात की भी पूरी संभावना हो सकती है कि सीमा पर कोई नजर रख रहा हो और उसे गाइड कर रहा हो, क्योंकि सीमा ने अपने मोबाइल से सभी डेटा डिलीट कर दिया है और लैपटॉप वो पाकिस्तान में ही छोड़ कर आई। वहीं सूत्रों की माने तो पिछले 1.5 सालों में सीमा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का यूजर नेम 9 बार बदला है और सीमा सचिन के अलावा 16 और लोगों को फॉलो करती है, जिसमें बागेश्वर धाम और महादेव जैसे हिंदू धर्म से जुड़े अकाउंट भी शामिल हैं। सीमा पर शक इसलिए भी करना लाजमी है क्योंकि उसका भाई और चाचा पाकिस्तान आर्मी में है और जिस तरह से वो पाकिस्तान से भारत आने का दावा कर रही है उस पर भी यकीन करना मुश्किल।